বরাক উপত্যকার সকলো চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো সৌৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বছৰি 7.5 লাখ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি আছে কাছাৰ জিলাৰ ৰোজকান্দি চাহ বাগিচাই। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে। কেতিয়াবা বৰ গৰম আৰু কেতিয়াবা প্ৰচণ্ড বৰষুণ হয়। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাভাৱিক জীৱনতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা গৈছে। গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি খনিজ সম্পদৰ পৰিৱৰ্তে জলবিদ্যুৎ শক্তি, বায়ু শক্তি আৰু সৌৰ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু হাইড্ৰ পাৱাৰ উৎপাদনত পানীৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সৌৰ শক্তিৰ বাছনি কৰা হৈছে আৰু সৌৰ শক্তিৰ পথ বাছি লৈ বৰাকৰ বুকুত প্ৰথম গ্ৰীড ইণ্টাৰেক্টিভ PV পেনেল স্থাপন কৰি কাছাৰৰ ৰোজকান্দি চাহ বাগিচাই বছৰি 7.5 লাখ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি আছে আৰু এই পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা গ্ৰীডেও লাভৱান হৈছে। 7.5 লাখ অর্থাৎ প্রতিদিনে 2000 কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। জলবায়ু অনুকূল হলে রোজকান্দি চাহ বাগিচাত সৌরশক্তির জড়িয়ে প্রতিমাহে 70,000 ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় আর পরিবেশ প্রতিকূল হলে জুন আর জুলাই মাহত বাগিচাখনে 50,000 ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বছরত। গ্ৰীড ইণ্টাৰেক্টিভ PV পেনেলৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ নকৰাকৈ গ্ৰীডে লাভৱান হৈছে। সৌৰ পেনেলৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্ৰীডলৈ যায় আৰু তাৰ পৰাই প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰোজকান্দি চাহ বাগিচাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দুনিয়া সাৰি ক্লাইমেট চেঞ্জ কি ৱজহ সে পৰেশান হে। बहुत सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रही, जैसे बहुत सारी गर्मी पड़ गई, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ, बारिश जब गिरती था बहुत सारी एक साथ में बारिश गिर जाती है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारा काम होता है। तो सारी दुनिया के जो लीडर्स है ये लोग सबसे पहले मेरे ख्याल से अमेरिका में, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही हैज सॉ दिस क्लाइमेट चेंज एंड ही स्टार्टेड यू नो कॉन्टेक्टिंग द वर्ल्ड लीडर्स and told that now instead of fossil fuel, मतलब कोयला तेल जो मतलब जो खनिज वाला एनर्जी है उससे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में हमें ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो रिन्यूएबल में है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड पावर एंड सोलर पावर। तो हाइड्रो बहुत कॉस्टली है इनिशियल, और हमारे पास इतना पानी भी नहीं है कि हम यहाँ में हाइड्रो बना सके। तो फिर सोलर, नेक्स्ट ऑप्शन सोलर ही बनता है, तो हम लोग ने सोलर में जाने का विचार किया। और आप जान रहे हैं कि यहाँ हवा तो है नहीं बिल्कुल, तो विंड टरबाइन तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता है, तो सोलर ही हमें उपयुक्त लगा। हम लोग करीबन साल में 7.5 लाख यूनिट जनरेट करते हैं सोलर से, और हमारी टोटल रिक्वायरमेंट करीबन 12-12.5 लाख यूनिट की है। तो बाकी जो बचता है वो हम लोग ग्रिड से लेते हैं, होता है वो ग्रिड में जाता है, और हमारी शॉर्टफॉल होती है वो ग्रिड से मिल जाती है। अब बराकवेली में रोजकंडी जो है सोलर प्रोजेक्ट सबसे पहला है। मालूम होगा कि ये ग्रिड इंटरेक्टिव PV पैनल्स है, उसका मतलब ये है कि इसमें बैटरी स्टोरेज नहीं होता है, ग्रिड के साथ ही कनेक्ट होता है, और ग्रिड चलने के बाद ही उसमें पावर जनरेट होता है। जो हमारा शॉर्टफॉल होता है वो हम ग्रिड से लेते हैं, और सरप्लस होता है वो ग्रिड में इन्फ्यूज़ हो जाता है, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी मीटर में आ जाता है, और हम जो खर्च करते हैं वो भी मीटर में आ जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली बिल बन जाता है। हमारा देखिए साल में करीबन 7.5 लाख यूनिट हम जनरेट करते हैं सोलर से, यदि मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर नहीं रहा, बहुत ज़्यादा रेन नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा वेदर होता है तब मतलब जीरो नहीं होता है कभी भी, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, करीबन 20-30% कम हो जाता है। जैसे हम लोग का जून जुलाई महीना में करीबन एक महीना में हमारा 50-55 हज़ार यूनिट जनरेट हो जाता है, लेकिन अभी जैसे है हम लोग 70,000 यूनिट के बराबर जनरेट करते हैं।